कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह अपने विभाजित फैसले के बाद कर्नाटक के स्कूलों में इस्लामिक हेडकवर पहनने से संबंधित मामले पर फैसला करने के लिए 3 जजों की बेंच गठित करने पर विचार करेगा। कर्नाटक एक 19 वर्षीय पाकिस्तानी लड़की को बेंगलुरु में बेलदूर पुलिस ने शुक्रवार 20 जनवरी को अवैध रूप से देश में रहने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इकरा जीवनी के रूप में पहचानी गई गिरफ्तार लड़की ने उत्तर प्रदेश के एक 25 वर्षीय सुरक्षा गार्ड मुलायम सिंह यादव से शादी की थी, जिससे वह एक गेमिंग ऐप के जरिए मिली थी। दंपति ने भारत नेपाल सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था और बेंगलुरु पहुंचे, जहां वे बेलदूर पुलिस थाने की सीमा में लेबर क्वार्टर में रह रहे थे। वयोवृद्ध कन्नड़ अभिनेता लक्ष्मण का आज बेंगलुरु में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लक्ष्मण ने एक वरिष्ठ कलाकार के रूप में 200 से अधिक कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया और विभिन्न प्रकार के पात्रों में एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। मैसूरु जिले के टी नरसीपुरा तालुक के होरलहल्ली में शनिवार रात एक संदिग्ध तेंदुए के हमले में एक 11 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। क्षेत्र में 48 घंटे में इस तरह की यह दूसरी घटना है। कक्षा 5 के छात्र जयंत को दुकान से घर लौटते समय झाड़ियों में घसीटा गया। देर रात उसका क्षत विक्षत शव मिला। 3 महीने में तालुक में तेंदुए के हमले में ये चौथी मौत है। इस बीच होरलहल्ली और अन्य गांवों के निवासियों ने रविवार सुबह टी नरसीपुरा में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक करकला से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मुतालिक ने कहा कि वह इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि हिंदुत्व और भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से काम कर सके। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज बेंगलुरु में 300 से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध पार्टी के भ्रष्टाचार रोको बचाओ के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। भाजपा सरकार द्वारा कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ बेंगलुरु अभियान पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य कांग्रेस नेता ट्रिनिटी सकल में एक विरोध प्रदर्शन में उपस्थित थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने आज दावा किया कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया कथित रूप से ये कहकर नाटक कर रहे हैं कि वह घोषणा के अनुसार कोलार क्षेत्र से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय अपने गृह जिले मैसूर लौट सकते हैं। अटकलों को खत्म करते हुए सिद्धारमैया ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि अगर पार्टी आलाकमान सहमत होता है तो वह कोलार से चुनाव लड़ेंगे। जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को अपने कांग्रेस समकक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सिद्धारमैया एक राजनीतिक अवसरवादी हैं, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण की विचारधारा का उल्लंघन किया और उन्हें पंचरत्न यात्रा की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा, आप और आपकी पार्टी कांग्रेस भाजपा से बहुत अलग नहीं है। आपकी सरकार ने कई अनियमितताएं की है। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे आपसे सबक सीखने की जरूरत नहीं है।